जश्न बिहार तो वैसे ही नवरात्रि में सब इसकी भी करते हैं, हम लोग खाते ही नहीं है। घर के जितने भी सारे दरवाजे खिड़कियां है ना, उनकी चौखटों पर सिंदूर से जो टीका होता है तिलक किया जाता है, टीका लगाया जाता है। ये ट्रेडिशन जो कल्चर है हमेशा से लाइक स्टार्टिंग से ही फॉलो किया जाता है। मेरी दादी भी ऐसा ही करती थी और हमारे गाँव में भी बाकी सारे लोग ऐसा ही करते हैं। वैसे किसके किसके घर में, बिल्कुल मेरे ही घर की तरह ये ट्रेडिशन कल्चर फॉलो किया जाता है। Few moments later. ये लो फिलहाल ना पूरी फैमिली और मम्मी सभी लोग अच्छे से बिल्कुल नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। अभी सबसे पहले मम्मी माता रानी दुर्गा माँ की पूजा आराधना करेगी, उनकी आरती करेगी। एंड आज ना मम्मा ने ये क्यूट सी रेड कलर की साड़ी पहनी है, कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है ना। मम्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जच रही है। और पता है भैया इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? हमारी चटोरी धनु भाई को। यस, हर बार की तरह आज भी मम्मी को धनु भाई ने ही रेडी किया है। पूजा आराधना आरती वगैरह करने के बाद ना मम्मा ने एक कटोरे में थोड़ा सा घी और 3-4 पैकेट सिंदूर वगैरह निकाल कर उसे अच्छे से मिक्स किया और बिल्कुल मिक्स करके लाल लाल कुमकुम टीका रेडी किया। और ये टीका ना सबसे पहले दुर्गा माँ माता रानी को लगाया, पहले उनका तिलक पूजन हुआ। एंड इसके बाद घर में जितने भी सारे देवी देवता, जितने भी सारे भगवान जी की फोटो है उनका भी तिलक हुआ। और इसके बाद जैसा कि आप लोगों को बताया कि घर के जितने भी सारी खिड़कियां और दरवाजे हैं उनके चौखटों के ऊपर और दोनों साइड टीका तिलक लगाया गया। और ये करना ना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं ये ना माता रानी दुर्गा माँ के स्वागत के लिए किया जाता है, ताकि माना सभी के घर पधारे और सभी के घरों को बिल्कुल खुशियों से भर दे। और यार दिल से मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर के साथ साथ माँ दुर्गा माता रानी आप सभी के घरों को भी खुशियों से भर दे। आप लोगों के सारे सपने पूरे हो और आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहो, हेल्दी रहो, हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. पेट पूजा कर रहे हैं। नाश्ते में क्या है चटोरी नैना? मूढ़ी चनाचूर। मूढ़ी चनाचूर, सब मस्त अपना मूढ़ी चनाचूर एंजॉय कर रहे हैं। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिलहाल यार इवनिंग का टाइम हो चुका है एंड अभी हम सभी चटोरे चलने वाले हैं दुर्गा मंदिर। दुर्गा माँ की ना बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनी है और बहुत सारी सजावट की गई है, काफी सारी तैयारियां हो चुकी है। तो सोचा कि क्यों ना अपनी प्यारी सी YouTube फैमिली यानी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ चलो, साथ मिलकर माता रानी का दर्शन करेंगे, उनकी आरती पूजा आराधना करेंगे और जाम का लड्डू ढूंढेंगे। अच्छा भैया लड्डू नहीं, इन चटोरों को ना झापड़ खाने को मिलेंगे। बाल जैसे चुड़ैल जाएगी हमारे साथ तो झापड़ खाने को जरूर मिलेंगे। चलो लाला क्यों बोलता है?
कैमरा बिल्कुल लाना है। तो हमारे प्यारे से टगली भैया क्या पहनने वाले हैं? जीन्स पैंट, ढेर सारे जीन्स है, कौन तो पहनो, पे चूज कर ले दो। इतना तो टीचर जैसा लगता है। इतना तो इसका चेस्ट स्लिप हो गया, देखो टूट गया। ओ चेस्ट स्लिप हो गया है। ये वाला होता है, ये वाला नहीं पहनूंगा। इस टगली भैया के ना नखरे बहुत है, बहुत नखरे। अच्छा साहब, इतना प्यारा सा येलो और ब्लू कलर का टी शर्ट छोड़ के ये सरियल सा टी शर्ट पहना देखो, फेयर वाला हमेशा पहनते रहता है, दूसरा दूसरा चेंज करके पहनना चाहिए ना। एक ही पहनूंगा येलो। क्यों से टगली भैया बिल्कुल रेडी हो गए। वाह भाई, रवि कुमार देख लो। रवि कुमार नहीं, यहाँ से तेरा नाम घुसपा राज, घुसपा घुसपा राज। चटोरी टकलू भैया को रेडी करने के बाद ये प्यारा सा सुंदर सा येलो कलर का फ्रॉक पहनकर हमारी चटोरी धनु भाई आरती भी अच्छे से सज धज के रेडी हो गई। पहले तो बंदरिया ने फटाफट अपने झाड़ू जैसे बालों को झाड़ कर लट्टू की तरह भाई साहब गोल गोल घुमा घुमा कर एक प्यारी सी क्यूट सी हेयर स्टाइल बनाई और देन फिर फटाफट अपने सरेले थोपड़े के ऊपर 2.5 किलो मेकअप पोत लिया। मैंने तो साफ मना कर दिया, ना बाबा ना, वैसे भी काफी ज्यादा शाम हो गई थी, टाइम से माता रानी की आरती वगैरह भी कमी करनी थी, इसलिए तो बस एक छोटी सी प्यारी सी सिंपल सी छोटी बना दी। और ये लो भैया, मैं बंदरिया बन गई सुंदरिया, अच्छे से सज धज के मैं भी रेडी हो गई। तो चलो पहले तो अपनी आरती की थाली सजा लेते हैं। लगी है
few moments later. फिलहाल हम सब मस्त माता रानी की पूजा आराधना आरती करके घर पहुंच चुके हैं. एंड मजा आया कि नहीं चटोरी रुन्नो भाई? बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया. एंड आई होप कि आप लोगों को भी मजा आया होगा. लेकिन अभी और भी मस्ती करना बाकी है. यस यार, क्योंकि अभी मेला है, इसके बाद कल भी जाएंगे पूरी फैमिली के साथ माँ की पूजा आराधना करने. कल ना मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊंगी. और काफी ज्यादा थक भी गए हैं और पेट में जोरदार चूहे कूद रहे हैं. चलो फटाफट अच्छे से डिनर वगैरह कर लेते हैं. The breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me